بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم वाले नाम जपो मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना अव्वल हम्द सनाईलाही जो मालिक रहमत दादरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जेक कतरा पाजे मेनो कम बन जावे मेरा लिए मौला
काल दिए न सज सारे दिए, काल दिए न सज सारे दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, हाँ गल सारी सरकार दिए, हाँ गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, जो डूबे बेड़े तारे दिए, जो डूबे बेड़े तारे दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, अरशा फरशा हशर मन गिरा देख लिया पे, हशर मन गिरा देख लिया पे, हशर मन गिरा देख लिया पे, कलकत उस पुकार दिए, हाँ कलकत उस पुकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, सरकार दिए, हो गया दीना हवा दीना, हो गया दीना हवा दीना, हो गया दीना हवा दीना, नाइया हो सारे दिए, नाइया हो सारे दिए, कल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, जो डूबे बेड़े तारे दिए, जो डूबे बेड़े तारे दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, दसिया ऐसी आए उस माने अली ने, दस आए सी देख उमर रे, दस आए उस माने अली ने, बड़ी लज़त दीदार दिए, बड़ी लज़त दीदार दिए, गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए, जो
मदीने वाले लोगों नहीं लोग।
करम की भीख मिले तो हयात बनती है।
हजूर आप नवाजे तो बात बनती है। मिले जो जन सना का तो लफ्ज मिलते हैं, अगर आपकी मर्जी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजे तो बात बनती है। मौजूद हाजरीन, दीन के रकान है कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। कोई बंदा इनका इनकार करने से काफर हो जाता है, लेकिन खत्मे नबूवत का मसला इतना हसास है, अगर बंदा इनकार ना भी करे, सिर्फ शक ही करे तो काफर हो जाता है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, मां काना मुहम्मदुन अबा हदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन और वकानुल्लाह बिकुल शैइन अलीम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला हर चीज का खूब इलम रखने वाला है। तो ये अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म है और उसने हुक्म जारी फरमा दिया है कि हजूर नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये उम्मते मुहम्मदी का मुत्तफिका अकीदा है, आपके बाद किसी नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। 150 हदीस मुबारक हैं जिसमें हजूर करीम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आपने अपनी खत्मे नबूवत की वजाहत एक मिसाल के साथ फरमाई, फरमाया जैसे कोई बंदा हसीन इमारत बनाता है, नक्शो निगार करता है, लेकिन एक ईंट की जगह खाली छोड़ देता है, तो जो कोई भी बंदा देखता है वो इमारत की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन वो साथ यही कहता है अगर एक ईंट इधर रख दी जाए तो ये मुकम्मल हो जाएगी। तो हुजूर करीम ने फरमाया ऐसे ही जब अल्लाह ने नबूवत की हसीन इमारत को बनाया तो सारे नबी आ गए, लेकिन एक ईंट की जगह खाली थी, अब वो मेरे आने से मुकम्मल हो गई। हजूर करीम के बाद किसी नबी की कोई गुंजाइश नहीं। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह आप किस किस के नबी हैं, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, ए महबूब तुम फरमाओ मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जिस जिस को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है उसके लिए हुजूर करीम रहमत नबी रसूल बनकर आए हैं। आपकी नबूवत का दायरा कार बहुत ही वसी है। हुजूर करीम ने फरमाया कि 30 दज्जाल होंगे, कजाब होंगे, जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उनमें से एक मुसलमान कजाब था, और भी बंदों ने दावा किया, लेकिन मुसलमान कजाब बहुत ही मुनज्जम था, उसने उसका खात्मा सिद्दीक़ अकबर के दौर में हुआ। अब जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना हमको दरपेश है, जो आज तक चल रहा है। ये 1835 में पैदा हुआ था इंडिया कादियान में, और 1879 में इसने जमात अहमदिया कादियानी की बुनियाद रखी। एक आंख से काना था, सियालकोट की अदालत में 15 रुपए माहवार पे जो मुलाजमत करता था, अंग्रेजों की पुष्ट पनाही से हासिल थी, अंग्रेजों का वफादार था। ये कहता था जो अंग्रेजों का वफादार नहीं है वो अल्लाह का भी वफादार नहीं है। तो जब इसने तमाशा लगाया, ढोंग रचाया, तो इसकी मौजें लग गई, इसको नोटों की बारिशें होना शुरू हो गई। ये कहता था बाकी सारा दीन अपनी जगह है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब दो तब्दीलियां हो गई हैं, एक तो मैं नबी हूं, दूसरा ये कि जिहाद नहीं करना, जिहाद खत्म हो गया, काफरों के खिलाफ जिहाद नहीं करना। तो ये पैसे की बुनियाद पर, अंग्रेजों की पुष्ट पनाही पर मजबूत से मजबूत होता चला गया। तो जब ये मजबूत होता चला गया तो हजूर नबी करीम ने पीर मेहर अली शाह साहब को अपने दीदार से नवाजा और फरमाया कि मेरी शरीयत को ये बंदा मलून मिर्जा, मेरी शरीयत को, मेरी अहादीस को तावीलात की कैंची से काट रहा है और तुम खामोश बैठे हो। पीर मेहर अली शाह साहब ने फिर किताब लिखी शम्सुल हदायत, और उसमें आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हयात मुबारक उसको साबित किया, और आपका दोबारा जो नजूल था उसको साबित किया, और अकीदा खत्मे नबूवत को कुरान और हदीस से साबित किया। उसका ये जवाब तो नहीं लिख सका, लेकिन इसने आपको मुनाजरे का चैलेंज कर दिया।
कहता जी अरबी की तफसीर आपने भी लिखनी है, मैंने भी लिखनी है, उलमा कराम आएंगे, जिसकी अच्छी तफसीर होगी वो जीत जाएगा। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया तफसीर को बाद में करेंगे, पहले तकरीर के साथ मेरे साथ मुनाजरा करो। तो इसके खौफ से ये भाग गया, ये मुनाजरे में नहीं आया। लाहौर में मंटो पार्क में मुनाजरा होना था, लेकिन ये इतना साजी था, इसने पंफलेट छपा कर दीवारों पर लगवा दिए कि पीर मेहर अली शाह साहब भाग गए हैं, वो मेरे मुकाबले में नहीं आए। लेकिन लोगों को पता चल चुका था, जो कादियानी थे इसकी जमात के बंदे, उन्हें भी पता चल गया था कि ये मुनाजरे से भाग चुका है। उसके बाद बहुत सारे कादियानी तौबा ताइब होकर दोबारा मुसलमान हुए। फिर एक दिन इसने मंटो पार्क लाहौर में जमे वकील इकट्ठा करके स्टेज लगाया और कहा कि कोई बंदा आकर मुझे यहां से निकाल दे और झूठा साबित कर दे। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो पीर मेहर अली शाह साहब उधर लाहौर में तशरीफ फरमा थे, जब उन्हें पता चला तो आप तशरीफ ले आए। तो जब आप तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि तूने नबी होने का दावा किया है और मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम से अदना गुलाम हूं, मुझे अल्लाह के महबूब ने वलायत से नवाजा हुआ है, नबूवत हर हाल में वलायत से अफजल होती है, मैं चार सवाल तुमसे पूछूंगा, अगर तुमने उनके सही जवाब देने, अगर तू सच्चा है, अगर तू नहीं जवाब दे सका तो मैं तुझे झूठा साबित करने के लिए उनके जवाब दूंगा। आपने फरमाया पहली बात तो ये है कि तू हुक्म कर के दरियाए रावी इस पंडाल के करीब से जारी हो जाए, अगर तू ये नहीं करता तो मैं दरियाए रावी को अभी फौरन यहाँ पे जारी कर दूंगा। दूसरा फरमाया कि पाक साफ पाकीज़ा लड़की हो, उसे किसी मर्द ने छुआ ना हो, पर्दे में ले जाके तू उसे कहे कि वो अभी बेटे की पैदाइश करे और तेरी नबूवत की गवाही दे या मेरी वलायत की गवाही दे, अगर तू ये नहीं कर सकता तो मैं कर दूंगा। तीसरा उन्होंने फरमाया कि बाहर कुआं है खारा, तो उसमें अपना थूक डाल, उसको पानी को मीठा कर दे, अगर तुझे नहीं कर सकता तो मैं अभी मीठा कर दूंगा। और फरमाया कि जा तू मुझे शेर बन के खा जाए या मैं तुझे शेर बन के खा जाऊंगा। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने जब ये फरमाया तो उनके जिस्म मुबारक से शेर के बाल नमूदार होना शुरू हो गए। तो साथ एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने फरमाया हजरत साहब शरीयत तो आप अपनी असली हालत में वापस आ गए, लेकिन उसी दौरान मिर्जा कादियानी भाग चुका था। तो पीर मेहर अली शाह साहब को जब ये वाकया याद आता है तो वो फरमाते थे अगर मुझे ना रोका होता तो खुदा की कसम मैं तातुस राह तक मिर्जे का पीछा करता और उसे जहन्नम वासल कर चुका होता। फिर आपने फरमाया उसके पास तीन जिन थे, जो कोई भी बोलता था उसकी जुबान बंद कर देते थे, लेकिन अल्लाह के उसके रसूल की मेहरबानी से उसका वार मुझ पर नहीं चल सका। उसके बाद मिर्जा बाथरूम में गंदी हालत में मरा है। तो ये मसला आज भी दरपेश है हमारी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में स्कूलों में कादियानी भर्ती किए जाते हैं ताकि नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा सके। तो अपने बच्चों को समझाएं कि रसूल की खत्म नबूवत कितनी अहम है। अल्लाह ताला हमें उन फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, रहमतों की ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की सब पे निगाहों, हम सब को ये आता हो, सब पढ़े
21